तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। भाई दुनिया भर के बाजारों से संकेत हो कमजोरी के, लेकिन यहाँ जोश खरोश बिल्कुल बरकरार है। और दीप स्टूडियो में आपका मेरा दोनों का सबका स्वागत है। बिल्कुल अनिल जी, और बहुत अच्छा लग रहा है सर एक बार फिर से स्टूडियो में आके साथ एंकर करने के लिए। मेरे ख्याल से चार महीने, एग्जैक्टली चार महीने के बाद, 16 अप्रैल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली चार महीने के बाद। और पिछली बार मैं आया था तो मैंने आपको बड़ा मिस किया, तो इस बार मैंने आपको भी बुला लिया, तो मजा आ गया सर। चलिए आज का सेशन बेहद अहम रहने वाला है। कमजोर शुरुआत के बाद क्या हम रिकवर होंगे, संभलेंगे और फिसलेंगे, ये है बड़ा सवाल, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं अनिल सिंह हूं, ये दीप बिल्कुल। और लंबे समय बाद स्टूडियो में आए हैं। मुंबई में भारी भरकम बारिश का माहौल है, अच्छा मौसम हो रहा है बाहर सर, बहुत सारी बातें करनी है। एक बार स्टूडियो में आप आ गए, तो सबसे पहले बताइए आज के लिए ट्रिगर्स क्या? ट्रिगर्स आज दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे दीप, और ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। डाउ में 7 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक है, स्पीड ब्रेकर है, ऐसा नहीं कि यू टर्न हुआ है, वो ध्यान में रखें। सोना यहाँ जरूर यू टर्न हुआ है, चांदी यहाँ यू टर्न हुआ है, तो सोने चांदी में जो ड्रीम रन चल रहा था उस पर लगा है ब्रेक, और यहाँ से यू टर्न के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक एक दिन में जो बड़ी गिरावट हुई है वो काफी जबरदस्त है। बड़े नतीजों का दिन है, वायदा कारोबार में अशोक लेलैंड के साथ ही 5 कंपनियों के नतीजे और आने हैं, इन पर नजर आएगी। IIP के आंकड़े जून महीने के उम्मीद के मुताबिक काफी कमजोर आपको नजर आ रहे हैं, ये तो होना ही था जैसा कि अंदाजा था। जी बिल्कुल, और अनिल जी इसी एक्शन के बारे में बात करते हैं। सोने में बड़ी गिरावट हमने देखी है, अगर आप वैसे देखेंगे तो ऊपर से डाओ लगभग 450 अंक फिसला है, बट ज्यादातर टेक्नोलॉजी शेयर्स में ही गिरावट थी। तो अगर जो सेफ्टी वाले शेयर्स हैं, सेफ्टी वाले एसेट क्लास गिर रहे हैं और उससे मार्केट पर असर आ रहा है, तो क्या रीड करना चाहिए? थोड़े चिंता के संकेत हैं दीप? मुझे नहीं लगता कि बहुत चिंता की बात है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम यही बात कर रहे थे कि सारे के सारे एसेट क्लास एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं। अब किसी को तो पहले गिरना शुरुआत है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट वैसा वाला मामला है, तो पहले हम खराब हों या सोना चांदी खराब हो, तो बाजार ने डिसीजन ये दिया है कि नहीं, सोने चांदी को कमजोर होना चाहिए, ये ड्रीम रन वहां पर ठीक नहीं है। और उसकी वजह साफ है, देखिए पहला रशिया में कल वैक्सीन बनने की जो खबरें आई हैं वो है, दूसरा ये कि स्टिमुलस पैकेज एक और आ सकता है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि इकोनॉमी को सहारा मिलेगा, इकोनॉमी उतनी खराब होगी नहीं। तीसरा अनएक्सपेक्टेड ड्रीम रन हो चुका है, प्राइसेस ऐसी हैं कि जिसके पास सोना है उसका तो बहुत मन करे कि बेचूं, अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि बेचने के बाद नीचे आएगा तो हर आदमी इस भाव में सोना और चांदी बेचना ही चाहता है, जाहिर सी बात है। ये सारे कारण है जिसकी वजह से सोने चांदी में कमजोरी आती हुई दिखी है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा संकेत इक्विटी मार्केट के लिए। बिल्कुल वही मेरा सवाल था, भले ही कल हम गिरे हो लेकिन हमारे लिए अच्छा संकेत है कि सोना चांदी कमजोर हो गए। अगर इक्विटी मार्केट कमजोर होता है और सोना चांदी मजबूत रहता है, तो यानी कि आगे के आउटलुक को लेकर मामला खराब है जी, है ना। तो ये अच्छा हो गया कि सोना इतना तेजी से गिरा, इसका मतलब क्लियर कट है कि जनरली आप सोने को ना मुसीबत में याद करते हैं, राइट। और अगर सोना खराब हो रहा है इसका मतलब आगे मामला ठीक है दुनिया भर में, इतना चिंता करने की बात नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन हुआ है, सारे एसेट क्लास एक साथ बढ़ रहे हैं, जिसे हम स्वीट स्पॉट कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, दुनिया परफेक्ट एकदम, वो दुनिया परफेक्ट हर वक्त नहीं रहती और लंबे समय तक नहीं रहती, कुछ ना कुछ तो इम्परफेक्शन आएगा ही, और वो आपको सोना चांदी से आता दिखा। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट के संकेत अगर आप देखें तो सोने चांदी की गिरावट एक तरह से इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव साइड पर समझ के चले, वो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, और उसी का इफेक्ट फिर अब जो मार्केट एक्शन पर है वो मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि अब वहां से अगर फंड्स थोड़े क्लियर होते हैं, मार्केट्स में कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, तो इससे क्या संकेत देने चाहिए? क्योंकि वैसे तो कुछ बदला नहीं है जहां तक कोरोना की बात है, डेटा की बात है, पर अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होकर वापस इक्विटीज में आता है तो वो क्या डायरेक्शन देगा दीप? ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें दो तरीके से आप देखें। पहला, आपके हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वो सिस्टम ही नहीं है इक्विटी एलोकेशन का जी, है ना, कि हम सोने में इतना रखेंगे, चांदी में इतना रखेंगे, FD में इतना रखेंगे, इक्विटी में। यहाँ पे ना 100% वाला सिस्टम है, जो इक्विटी में लगाते पूरा इक्विटी में ही लगाएंगे, बाकी और कहीं लगाना इनको मजे के 8% 7% की FD में क्या लगाना, ठीक है ना। और जो FD में लगाना है वो ये कहेंगे नहीं नहीं भाई, इक्विटी हमारा काम ही नहीं है, छूना ही नहीं है, जाना ही नहीं है उधर, ठीक है, वो 7% से भी खुश है। सोने चांदी में जो लगाने वाले ट्रेडिशनल लोग हैं उनके लिए न तो FD उन्हें सूट करती है, न उन्हें इक्विटी मार्केट पसंद आता है। तो एसेट एलोकेशन वाला जो मामला ना वो अमेरिका में चलता है, फटाफट एक एसेट बढ़ गई, इसमें से प्रॉफिट किया, दूसरे में घुस गए, या हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो भेड़ चाल वाला या एक माइंड सेट बनी है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लाइफ लॉन्ग जनरेशन ऐसे निकल जाती है। प्रॉपर्टी में जो लगाएंगे वो प्रॉपर्टी में लगाएंगे, तो
लेकिन अमेरिका में जो सिस्टम है उसमें ये जरूर है कि एक एसेट से पैसा निकलता है तो दूसरे में जाता है, चाहे वो बॉन्ड से इक्विटी में जाए, इक्विटी से गोल्ड में जाए। तो गोल्ड से सिल्वर से अगर पैसा निकलेगा तो इक्विटी मार्केट में आने की संभावना पूरी। लेकिन एक और चीज बताऊं ना, अभी आए फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी मार्केट में जितना पैसा चाहिए लिक्विडिटी की कमी कहां है, वो तो बात सही, ढेर सारी लिक्विडिटी है। लेकिन कल अमेरिकी बाजारों का जो एक्शन है दीप, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। कल जो रशिया की वैक्सीन वाली बात है, अब देखिए पुतिन साहब को आप हल्के में तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अगर आप ट्रंप साहब को हल्के में नहीं लेते तो पुतिन साहब को क्यों? अगर वो कह रहे हैं रशिया ने वैक्सीन बनाई तो बनाई है, बनाई है, ठीक है। अब उस पर क्वेश्चन मार्क बहुत सारे आएंगे। देखिए ये तो मैं आपको बता दूं, शुरुआत की 5-10 जितनी वैक्सीन बनेगी सब पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये तो बात सही है ना, ये तो वक्त बताएगा किसकी सबसे बढ़िया थी और किसकी सबसे घटिया। लेकिन दावा हर आदमी करेगा कि मैंने वैक्सीन बना दी जी, ये क्योंकि आज कम से कम भी सैकड़ों कंपनियां ऐसी है, फार्मा कंपनियां, जो वैक्सीन बनाने में लगी हुई है दुनिया भर में, हमारे यहां से लेकर पूरी दुनिया में, है ना। तो अब किसकी कितनी परफेक्ट है भगवान जाने। लेकिन आप पुतिन साहब जब खुद कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी पे प्रयोग किया है, सही है, तो आप मना तो नहीं कर सकते। सो अब वैक्सीन बनने की संभावना हो, ये सारी चीजें हो, तो ऐसे में जो एक करेक्शन है ना कल दिखा है, इस करेक्शन को मैं जो नाम देता हूं वो है रनिंग करेक्शन जो अमेरिका में हुआ जी। 7 दिन तक तेजी हुई है, एक तरफा तेजी हुई है, इनफैक्ट 8वें दिन भी हुई थी कल जी। कल का आखिरी आधा घंटा छोड़ दे अमेरिका में तो क्या खराब था, पूरा दिन अमेरिका इतना मजबूत, और रात को जो आराम से अमेरिकी बाजारों को सुलाने से घंटे भर पहले सो गया वो, उसको तो चेन की नींद आई होगी। ये फर्स्ट क्लास 400 पॉइंट ऊपर डाउ है, क्या टेंशन है, सुबह सब कुछ ठीक होगा। लेकिन यही खूबसूरती है बाजार की, कब यू टर्न कहाँ से ले पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि एक रनिंग करेक्शन के तौर पर देखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ग्लोबल संकेत आज आप नेगेटिव भले ही मान सकते हैं, लेकिन नेगेटिव से न्यूट्रल समझ कर चलें ज्यादा बढ़िया है, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं, बहुत चिंता करने की बात नहीं है सर। और एक भारतीय बाजार पर भी क्वेश्चन है, कल हमने देखा 5 महीने की ऊंचाई में, जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है तब की ऊंचाई में, बल्कि अब तो फरवरी के लेवल्स पर आ गए हैं, पर बैंक निफ्टी सर अभी भी 2 महीने की ऊंचाई पर है। बैंक निफ्टी पर वो कैचअप लेवल बाकी है, और 3-4 अटेम्प्ट्स करें हैं बैंक निफ्टी पर, वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही अभी तक, कम है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बात सही है। 23,200 का जो बैंक निफ्टी का हाई है, वहां से हम अभी भी 1,000 पॉइंट दूर है, जबकि निफ्टी तो अपना ऑलरेडी 28-29 जुलाई के हाईज है उसको पार कर चुका है। अब जहां तक बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं इसको है ना बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस कम मानता हूं दीप, मैं इसको है ना निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस ज्यादा मानता हूं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन 2 स्टॉक है, रिलायंस और TCS जी। ये 2 बड़े स्टॉक है और इनका वजन निफ्टी में इतना ज्यादा हो गया है, और अगर रिलायंस और TCS ज्यादा बढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी तो अल्टीमेटली ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक सब मिलकर बनाए जी, तो और उनका वजन कंपेरेटिवली कम है। तो मैं ये कहूंगा कि जो बैंक निफ्टी की चाल है वो सही है, वो रीजनेबल है, लेकिन निफ्टी आपको ज्यादा मजबूत इसलिए दिखता है कि 2 स्टॉक आपको खींच कर ऊपर ले जाते हैं। तो मेरे लिए ज्यादा सही पिक्चर बैंक निफ्टी दे रहा है कि एक्चुअली मार्केट इसी लेवल पर है, न कि आप जो लेवल देख रहे हैं हायर वाला। तो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस ठीक है, मुझे शिकायत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात एक और दीप ये कि मैं तो चाहता भी हूं कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा उछल कूद ना करे, क्योंकि पॉइंट ये है कि फिर वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ती है आपके लिए बैंक निफ्टी पर, और मूव बड़े आते हैं। तो स्पीड ठीक है, थोड़ी आउट परफॉर्मेंस जो निफ्टी की है हो सकता है वो हल्की सी ठंडी हो जाए, वो हो सकता है। यहाँ पे भी वही सवाल बनता है, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? देखो ब्लिंक तो निफ्टी को ही करना है, बैंक निफ्टी को ही करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर करेक्शन की शुरुआत होनी है तो बैंक निफ्टी से होनी है, निफ्टी से नहीं होगी, क्योंकि निफ्टी को बचाने कोई कोई आ जाता है। निफ्टी को बचाने कभी फार्मा आ जाएंगे तो कभी बैंक्स आ जाएंगे तो कभी रिलायंस या कभी IT आ जाएगा, कभी ऑटो भी अपनी मदद कर देता। तो इसलिए गिरावट की शुरुआत तो अगर होनी है तो बैंक निफ्टी से होनी है, निफ्टी से नहीं। चलिए ठीक है, तो वहां पर एक्शन रहेगा, पर आज का सेटअप फिर सर कैसा लग रहा है, आज के संकेत क्या बताएं? ग्लोबल संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर रखकर चले आप, FIs के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, मैं नेगेटिव भी रख सकता था लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं जो आगे विस्तार से बात करेंगे। वायदा घरेलू फंड्स के नेगेटिव साइड पर ही चल रहे हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट मैं न्यूट्रल कर रहा हूं, हालांकि मेरा तो कोई बदला नहीं है सेंटीमेंट, मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूं लेकिन खाली मेरे सेंटीमेंट से कुछ नहीं होता, ये मैं सारे बाकी फैक्टर्स मिलाकर बोल रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ इसमें कोई डाउट। और सबसे बड़ी बात चीज क्या है दीप, है ना ये 2 दिनों में जो कमोडिटी मार्केट में हुआ है, बुलियन मार्केट में, इसमें है ना एक बड़ा लेसन बहुत सारे लोगों को मिलेगा
क्या होता है आमतौर पर है ना, जैसे इक्विटी मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी की राय ले लेते हैं, पूछ लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी की राय ले रहे हैं, थोड़ा आपसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा जानने वाला है, उसको आप पूछते हैं। राय सही होना गलत होना अलग बात है, लेकिन पूछते हैं। सोने चांदी में मालूम है प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान के हर आदमी को लगता है सोना चांदी तो मुझे आता है, मुझे मालूम है, एक्सपर्ट हूं, क्योंकि बचपन से देखा है। सही बात है, बचपन से दो चीजें देखी है, सोना चांदी हमारे सामने ऐसा दिखता है, इंफोसिस का शेयर कैसा दिखता है ये तो पता नहीं है ना, सही बात है, लेकिन सोना चांदी ऐसा दिखता है। ठीक है, दूसरी चीज बचपन से ये पता है कि सोने चांदी में खरीद कर पैसा बनता है, ये हमें ट्रेडिशनली सिखाया गया है। तो उस चक्कर में लोग किसी भी भाव में सोना चांदी लेकर फंस जाते हैं, तो वो वहां नुकसान इतना ज्यादा होता है। और कल से मुझे फोन आने शुरू हो गए काफी लोग, गोल्ड का क्या आउटलुक है, डॉलर का क्या आउटलुक है, ये क्या है, वो क्या है? तो इसका मतलब क्लियर कट है कि लोग ऊपर में फंस चुके हैं। तो जब तक ये हल्के नहीं होंगे, पहले मंदी करके फंसे, पहले ये लगता था 50,000 हो गया, अब क्या हो जाएगा, या चांदी 55-60,000, अरे बहुत हो गई। तो कि कोई भी लेवल बहुत वाला लेवल नहीं होता ऊपर या नीचे की तरफ। बाजार आपको हमेशा सरप्राइज कर सकता है ऊपर की तरफ, और हमेशा शॉक कर सकता है नीचे की तरफ, इसकी तैयारी रखनी चाहिए। तो सेंटिमेंट मेरा न्यूट्रल है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है दीप, कहीं ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, सेंटिमेंट में भी ज्यादातर तो वैसे पॉजिटिव ही है। आज गैप डाउन होने वाला है ये तो क्लियर है सर, उसके बाद क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, आज के लिए जोन्स क्या हैं? पहली चीज तो ये मैं बता दूं कि जितना गैप डाउन आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं या लोग सोच रहे हैं, उतना गैप डाउन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 100 पॉइंट्स जो अभी दिख रहा है उससे चिंता नहीं करनी चाहिए, लपक लेना है 100-125 पॉइंट। देखिए कमजोरी है ना जी, आप एक लेवल से गिनिए, 11,200 से नीचे गिनिए, 11,199 एक पॉइंट कमजोर। तो जैसे पहले वो एक पॉइंट ऊपर था, आपने को पता होना चाहिए कि हम कहां से कमजोर हैं जी, 11,095 पांच पॉइंट कमजोर, 11,195 पांच, 11,200 से गिनेंगे कमजोर है कि नहीं। ओके, जब तक 11,200 के ऊपर है कमजोर नहीं है, इट्स क्लियर, एकदम क्लियर है। 11,235 दिन का सपोर्ट जोन है जी, और यहां खुलेंगे, यहां खुलने के बाद हम देखेंगे कि तेजी करने वाले कितने ढीले। मैं तो मेरी तरफ से पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, डरिए मत, घबराइए मत। अब उसके बाद भी कोई ढीला है तो फिर वो अगर ज्यादा पोजीशन छोड़ने आया तो फिर ठीक है, 11,200 तोड़ेंगे तो पहली समस्या तो शुरू होगी। अदरवाइज सेम जो अमेरिका में हुआ है वो यही है, रनिंग करेक्शन। ये रनिंग करेक्शन कब आएगा क्योंकि कल कोई आपकी स्क्रीन पर साइन नहीं था कि आप कमजोरी देखें, और कल हम यही बात कर रहे थे किसी भी दिन आपको करेक्शन मिल सकता है, 7 दिन से तेज हो रही है जी अमेरिका बात, तो वो रिस्क हमेशा ओवरनाइट ट्रेडर्स के लिए रहती है, लेकिन वो इसी रिस्क में आपको ये समझना होता है कि मुझे कितनी पोजिशन ओवरनाइट रखनी जी। एक सेंटेंस हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप ट्रेडर हैं ओवरनाइट पोजिशन रखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं बार बार बोलता हूं कि आप जब पोजीशन लेते हैं इसलिए लेते हैं कि आप सोचें कि वो ट्रेड या वो मार्केट का डायरेक्शन आप जैसा सोचें वैसा जाएगा, तो आप उम्मीद अच्छी की रखिए तभी आप पोजीशन, नहीं तो लेंगे नहीं। लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मतलब ये कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं हुआ तो मैं रिस्क कितनी ले सकता हूं। जब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा ना तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगी। इनडिसिप्लिन क्यों होती है कि जब है ना लगता है कि 11,325 पे बंद हो रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है, डाउ फ्यूचर भी 300 ऊपर है, कमजोर हो भी गया तो कितना हो जाएगा, 200 नीचे 300 की जगह 200 बंद होगा या 100 बंद होगा, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। जब हम ये सब पॉजिटिव सोचते हैं, सोचना चाहिए, लेकिन अगर ये सोच लें कि 100 बंद हुआ नीचे तो, तब आप पोजिशन उतनी लेके जाएंगे जितनी आप पचा सकते हैं। तो ये 11,200 आपके लिए 11,235 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, पहले वहां थोड़ी खरीदारी भी आएगी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी। अगर गलती से उसके नीचे गए, जाएंगे नहीं लेकिन गए, तो 11,150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, वहां पर ब्लाइंड बाय है, जरूर खरीदारी करनी चाहिए। 11,300-11,335 ऊपर की रेंज है दीप, ब्रॉडली ये समझ लीजिए कि नीचे खुलने के बाद 11,200-11,325 के आसपास की ये 100-125 पॉइंट की रेंज में फिर हम वक्त बिताएंगे। तो ऊपरी रेंज 11,300-11,335 है, अगर गलती से इसे पार किया तो 11,375-11,450 अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन है, वहां पर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। आइए बैंक निफ्टी, 21,900-22,075 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है, यहां पर हम खुलने चाहिए कहीं कहीं, ठीक है। इसके नीचे गए तो 21,650-21,750 ब्लाइंड बाय जोन है, ब्लाइंड खरीदना ही है, आएगा नहीं, मैं फिर बता रहा हूं नहीं आएगा, लेकिन कौन जाने कभी कुछ भी हो सकता है भाई, तो आप तैयार रहिए, नहीं आए तो अच्छी बात है, अगर आए तो छोड़ना छोड़ना नहीं जी। 22,250-22,450 दिन के लिए ऊपरी रेंज आपके लिए रहेगी, ठीक है। अब मैं डे रेंज बता दूं आपको,
11,235, 11,300 ये दिन की छोटी रेंज है, 11,200, 11,325, 325, 335 मान सकते हैं जी, 325, 335 ये मोस्टली मेरा ये मानना है 11,200, 11,335 की रेंज आज के लिए रहनी चाहिए मीडियम रेंज वाली, इसमें आपका पूरा दिन निकल जाएगा। फिर भी बड़ी रेंज 11,150, 11,375 की मानकर चलिए। बैंक निफ्टी 22,050, 22,250 आज की छोटी रेंज है, 21,900, 22,350 मीडियम रेंज है, 21,750, 22,450 आज की बड़ी रेंज बैंक निफ्टी पर मान के चलिए। इन तीन रेंज को बैंक निफ्टी में भी दीप एक काम कर सकते हैं कि जो आपको कमजोरी गिननी है वो 22,000 के नीचे से गिननी है जी, 22,000 के नीचे जाए, 21,900 हुए तो मतलब 100 पॉइंट कमजोर है जी, 22,225 पे बंद हुए तो 1% का करेक्शन बड़ी बात नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी 1% का करेक्शन भाई। आप देखो ना 7,500 से अगर आप 11,400 पर हैं जी, अब इसमें 100 पॉइंट के करेक्शन में अगर हम मिल जाएंगे तो फिर ये 3,500 पॉइंट कमा के भी क्या किए फिर, सही बात, 4,000 पॉइंट की जो तेजी में, 4,000 पॉइंट की तेजी में 400 पॉइंट नहीं संभाल सकते तो फिर तो बड़ी मुश्किल है, फिर तो क्या हम सही प्रोफेशन में है कि नहीं वो सोचना चाहिए। सही बात है सर, ठीक है, तो ये तो है आज के लिए रेंजेस जी। पीसीआर इंटरेस्टिंग लेवल पर है सर, 1.43, 7 दिन से तेजी चल रही है हम देख रहे हैं, पीसीआर में ज्यादा चेंज, ये अच्छी बात है दीप, ये कंफर्टेबल है, ओवरबोट नहीं है मार्केट। और कल भी हम आपको याद है यही बात कर रहे थे कि इस बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बढ़ने की स्पीड, वॉल्यूम्स, पार्टिसिपेशन निफ्टी में स्टॉक्स का और ओवरऑल मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का पार्टिसिपेशन, ये इस रैली की खूबसूरती है, सबसे बढ़िया चीज ये। नहीं तो ये होता कि एक तरफा कोई, कई बार कहते हैं लोग बोलते हैं क्या कर रहे हैं निफ्टी आपका 11,500 है, मेरे मिड कैप के भाव तो 8,000 के हैं, लोग बोलते हैं ना, सही बात, आज कोई नहीं बोलता, अब नहीं, कोई नहीं बोलता कि 8,000 के भाव है, 11,500 के भाव निफ्टी के हैं तो 11,500 के भाव मिड कैप्स के भी हैं, राइट, तो ये बड़ी खूबसूरती है। और पुट कॉल रेशियो भी ओवरबॉट नहीं है, नहीं तो इस तरह के बाजार में कौन सी बड़ी बात है 170-180 हो जाए जी, तो वहां पे आपको डर लगता है। तो मैं आज जो मुझे कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम जरूर से ज्यादा नहीं गिरेंगे, उसके पीछे रीजन भी पुट कॉल रेशियो है। आपका ओवरबॉट होता तो तकलीफ है ना, तो तकलीफ है, सही बात है सर, फिर आप क्या करेंगे, फिर मतलब जरूर से ज्यादा खा लिया, अब पचा नहीं पा रहे तो दौड़ लगाओ कूदो, तो वो वाली चीज है। तो यहां पर आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है, ये बहुत बढ़िया है जी, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल सिचुएशन पे, वहां से देखते हैं किस तरह का एक्शन निकलेगा। पोजीशंस जिनकी हैं सर, स्पेशली जो कल की तेजी में लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है, वहां पर क्या होगा? 11,200 क्लियर कट स्टॉप लॉस है, 11,200 भले, अब जिसको मजबूत, देखिए ये 11,200 का स्टॉप लॉस उन लोगों के लिए जिन्होंने कल तेजी की पोजीशन बनाई है, जिनकी पहली सपोज उनकी किसी की 11,100 की बनी है, 11,000 की पोजीशन कोई लेके बैठा है, उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं जी, उसको तो बिल्कुल नहीं डरना है। लेकिन जिनके कमजोर लॉन्ग्स हैं, कमजोर लॉन्ग्स है मेरा मतलब है कल और परसों में दो ही दिनों में बनाए, उन्हें 11,200 का एक डिसिप्लिन के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 22,000 रखिए और क्लोजिंग बेसिस पे 21,900 का रखिए, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। शॉर्ट पोजीशन है, एक ही स्टॉप लॉस है 11,400, इसके ऊपर दिन के दौरान निकले या फिर क्लोज होता दिखे शॉर्ट काट लीजिए, और इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस पे तो 11,325 अगर हरे निशान में आज बंद हो तो भी काट लेना चाहिए, वैसे तो संभावना हरे निशान में बंद होने की कम है, लेकिन हाँ रिकवरी तो होगी ये बात पक्की है, तो वहां पे भी आप काट सकते हैं। 22,300 बैंक निफ्टी पे आपका क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, डे ट्रेडर्स के लिए भी और बंद के हिसाब से भी, क्लोजिंग के हिसाब से। जिनके एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स हैं उन्हें गैप डाउन पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं? 100% गैप डाउन पर प्रॉफिट बुक, दो तरीके हैं दीप, या तो आपको 11,200 मिल जाए तो फिर पूछिए मत, कर लीजिए 11,200, 11,225 कर सकते हैं, या फिर उसका दूसरा तरीका ये कि अगर 11,200, 11,225 मिले आपको लगता है कि नहीं 11,150 आ सकता है, जो मुझे कम लगता है, तो आप 11,250 का स्टॉप रख लो ना, 11,250, 11,260 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ट्रेल कर लीजिए अपनी शॉर्ट को, मेरे ख्याल से 11,260 का स्टॉप लॉस परफेक्ट है, उसके बाद गैप से नीचे आने के बाद 11,260 का स्टॉप लॉस कर लीजिए, ताकि अगर फिर बढ़ने लगे तो आप फंस न जाए, मुनाफा नहीं, पैसा छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे तेजी के मार्केट में मंदी करके पैसा मिल रहा है, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, क्योंकि कल आपको याद हो कल भी हमने जब शॉर्ट जोन दिया था ना बैंक निफ्टी बेचने की राय, निफ्टी बेचने की राय, तो एग्जैक्टली कल निफ्टी बेचने की राय आपको 11,375, 11,400 की रेंज से ही शुरुआत की थी। वो मार्केट है ना, ये बढ़िया मार्केट है, आपको दोनों तरफ के मौके दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है जी। मार्केट इरेशनल होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, जहां लेवल्स को रेस्पेक्ट करे, डेटा को रेस्पेक्ट करे, वो बढ़िया मार्केट जी। बिल्कुल सर, नई पोजीशंस के लिए फिर अब क्या सलाह देंगे?
जिन लोगों को शॉर्ट करना है 11400 का स्टॉप लॉस रखा, लेकिन बहुत गैप से खुल जाए तो फिर आपके लिए शॉर्ट करने का मौका बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी 11235, 11200, 11150 तीन टारगेट नीचे के बनते हैं, ये ट्रेड शायद आप ना ले पाए। अगर हो पाएगा तो 9:08 पे मैं आपको बताऊंगा। खरीदे निफ्टी 11150 से 11235 की रेंज में। अब आपकी रिस्क एपेटाइट पे है कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। जी एग्रेसिव है 11235, थोड़े नीचे 11225, कंफर्टेबल 11200, और बहुत मतलब बहुत ही एकदम बिना रिस्क का लेना है तो 11150। तो हर तरीके के लोगों के लिए अलग अलग लेवल है। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हो उस हिसाब से आप खरीदो, लेकिन लेना जरूर है इस रेंज में, ये बात पक्की है। 11100 स्टॉप लॉस है, 11275, 300, 325 और 375 तक के टारगेट के लिए, चार टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। बैंक निफ्टी जो लोग बेचना चाहते हैं 22300 आपका क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, 22075, 22000 यहां भी वही चक्कर है, गैप से खुलेगा तब देखेंगे इसका जवाब। गैप से खुलने के बाद बेचना है नहीं बेचना, ये मैं 9:08 पे बताऊंगा कि जहां खुलते हैं वहां से आगे क्या करना है। 21900, 21800, 21750 मैक्स, बस उतना ही, उसके आगे नहीं, उतना भी मिल जाए तो बहुत है, बहुत बड़ी बात है। और जो लोग खरीदना चाहते हैं, अमदीप इसमें खरीदने में ना कहां खरीदना है वही वाला सवाल है, 22050, 75 पहला लेवल, पहली रेंज जो खरीदारी की निकल के आती है वो 22000 से 22075 की आती है। ओके, अब आप कितने एग्रेसिव इस पर डिपेंड करता है। 21900 ज्यादा रीजनेबल लेवल है एंट्री करने का अगर मिलता है तो, 21750 ब्लाइंड बाय। ओके, जो एकदम पैसिव इन्वेस्टर है, जो एकदम बिना रिस्क लेना है, 21750 रीजनेबल रिस्क, 21900 एग्रेसिव, 22000 से 22075 आप डिफाइन कर लीजिए आप कौन से हैं, है ना। पैसिव के लिए आज चांस मिलेगा पैसिव देखो, हाँ ये बहुत अच्छी चीज। आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था पैसिव इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग के ऊपर, और वो कोई दो लोग वो खेल रहे थे टेबल टेनिस, तो वो मैं वीडियो शेयर करूंगा लोगों के साथ में, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो पैसिव इन्वेस्टर है ना, क्या है, आराम से अपने लेवल का इंतजार करता है, आया तो ठीक, नहीं आया तो मेरा क्या लेके गया, मिले तो करो आप अपने लेवल का। ये ना वो चीते की तरह है, वो नजर जमा के बैठा है शिकार पे, जब मैं मौका देख के झपटूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे करना ही करना है बस, तो वो वाली चीज है। तो पैसे वाले का नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपका क्या गया, आया तो फिर छोड़ो मत, तब अग्रेसिव। और जो एक्टिव है वो तो फिर मिनट टू मिनट करेंगी। ये बाजार किसका है सर, एक्टिव का पैसिव? एक्टिव, एक्टिव लोगों का आज का सेशन भी 100%। You have to be swift, fast, active. और दोनों तरफ, दोनों तरफ। ये सुस्ती वाला मार्केट नहीं है जी, ये चुस्ती वाला मार्केट है, फुल एक्शन वाला मार्केट है। यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि मैं सौदा डाल के खड़ा रहूँ, ना वो नहीं होगा, आपको एक्शन लेना है, फटाफट लेना है, स्क्रीन के साथ रहना है। ये सुस्ती वाला मार्केट दीप तब होता है जब पूरे दिन भर निफ्टी 50 पॉइंट में घूम फिर के बंद हो जाए, डाउ फ्यूचर 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे दिखे, आपको लगेगा ये खुला ही क्यों है बाजार, 5-7 दिन बंद ही कर दो ना भाई, 12 से 3 पिक्चर देखेंगे तो ज्यादा ठीक है, उसमें आके देखें वापस तब भी वही लेवल मिलेंगे जी। वो उस तरह का मार्केट हो ना तब पैसिव इन्वेस्टिंग हो सकती है, यहाँ तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा जी। बिल्कुल, लग रहा है सर सीरीज प्रोग्रेस हो रही है, अब 9 स्टॉक्स आ गए हैं बैन में, 4 कल जुड़ गए, आशीष का काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं बैन में, ठीक है। बाटा, ग्लेनमार्क के रिजल्ट भी आने वाले जी, आईबुल और सेल। तो अब 9 स्टॉक्स हैं बैन में सर। एफआईडीआई एक्शन, आप बोल रहे थे एफआईज आपने न्यूट्रल रखा है किसी स्पेशल वजह से, क्या है सर? देखिए 2239 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स फ्यूचर में, 2200 करोड़ के स्टॉक बेच गए, मुझे समझ नहीं आ रहा ले कौन रहा है। अब 2200 करोड़ के स्टॉक्स एफआईज ने बेचे, 1400 करोड़ के स्टॉक्स घरेलू फंड ने बेचे हैं आपके कैश में, 2200 और 1400 आपके हो गए 3600 करोड़, चलिए 1000 करोड़ की कैश में खरीदारी की है एफआईज ने, निकाल दो फिर भी 2600 करोड़ 2500 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में, पी गए सब एचएनआई ट्रेडर इन्वेस्टर प्रमोटर, क्या है पेटाइट है, गजब खरीदे जा रहे हैं। तो वैसे 2200 करोड़ की बिकवाली को देखकर मैं नेगेटिव कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी जब तक कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन एक संकेत दीप QIP या फंड वो भी है, एक चीज दीप है ना जो दिख रही है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये कि थोड़ा सा है ना एफआईज ने एफएनओ में बेचना शुरू किया है,
फ्लोज उतने मजबूत नहीं थे जितने पिछले हफ्ते तक दिख रहे थे, थोड़ा थकावट आ रही है अभी, थोड़ा सा जल्दबाजी है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स में वो मंदी नहीं दिख रही या वो पोजीशन नहीं दिख रही बिकवाली के, सिर्फ स्टॉक्स में आ रही है, तो देखते हैं, थोड़ी नजर रखते हैं एक आध दिन, फिर नजर डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओके, वहां पर नजर रहेगी। एफएनओ सर क्यूज आज के लिए भी न्यूट्रल ही हैं, कुछ चिंताजनक संकेत हैं वही जो लेवल्स आपने रेंज में बताए थे? देखिए दीप, सबसे बढ़िया चीज क्या है, पोजीशन ही नहीं है जी। 11,300 पे कितना, 21 लाख शेयर पुट में है और 22 लाख शेयर कॉल्स में, ठीक है। अगर अगर क्या मतलब 11,300 के तो नीचे खुलेंगे, तब भी कितना है दबाव, कितना है, सिर्फ 20 लाख शेयर, जी कौन सी बड़ी बात है। और ट्रेंड तो तेजी का है, अगर मंदी करके लोग इतना दिन होल्ड कर सकते तो तेजी वाले क्यों नहीं करते। तो मैं फिर कहूंगा आज तेजी करने वाले, नीचे में पैनिक में मत भेज देना, कम गैप से खुले, आपको ठीक लेवल मिल जाए 11,275, 11,300 तो ठीक है, 25-50 पॉइंट तो इतना तो रिस्क ठीक सही है। बात लेकिन अगर 11,200 खुले, 11,225 तो बेच मत देना, है। क्योंकि पोजीशन ज़्यादा नहीं है। जी। अगर यही पोजीशन ज़्यादा होती है तो मैं पक्का बोलता आप खाली करो, कम गैप मिल रहा है, ठीक है, 50 पॉइंट नीचे वापस ले लेना। लेकिन 20 ही लाख शेयर तो है, 11,200 मैंने इसलिए कहा दीप कि वहाँ हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 26 लाख शेयरों का है, तो वहीं से हम कमजोरी गिनेंगे। 11,400 पार करना मुश्किल है, अब वहाँ हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन लगभग बराबर है, 31 लाख शेयरों का है और कल 10 लाख शेयर कॉल राइटिंग भी हुई, तो बेसिकली बड़ी रेंज 11,200 से 11,400 की निकलती है और 11,300 इसमें बीचों बीच निर्णायक लेवल है जहाँ पर बराबर पोजिशन है। बैंक निफ्टी 22,000 के नीचे ही आप कमजोर होंगे, 22,000 के पुट पर 8 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जी। तो 21,900 22,075, ये 150-225 पॉइंट की रेंज, ये आपके लिए पहला बाय जोन बनता है, ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटेगा तो ही समस्या है। 21,900-22,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेटा के लिहाज से, 22,500 पार नहीं होगा, 8 लाख शेयर कॉल्स में हो तो आपको 21,900-22,400 ये ब्रॉडली 100 पॉइंट नीचे किन लो, 100 पॉइंट नीचे की तरफ रख लो, मंदी का मार्केट आज का है इसलिए, तो 21,900-22,400 एक तरह से आप रेंज ट्रेड कर लो बैंक निफ्टी पर। तो ये कुछ अहम रेंज है जो निकल कर आती है आज के एक्शन के लिए, नज़र रखेंगे किस तरह का एक्शन बनता है आज पर। आइए, हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ जुड़ रही है, मानसी हैं हमारे साथ, साथ ही संदीप हैं, पूजा हैं और ब्रोकरेज एक्शन के लिए आशीष हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और नतीजे कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश स्पेस से भारत फोर्ज, एनसीसी, आवास फाइनेंसियर, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ईआईएच एसोसिएट, श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी कई सारी कंपनीज हैं जिसके नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सैटिन क्रेडिट राइट्स इशू का एंटाइटलमेंट आज से शुरू होने जा रहा है, 24 अगस्त तक ये इशू खुला रहेगा। 60 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 120 करोड़ जुटाने की योजना है और 125 शेयर के बदले 48 राइट शेयर जारी किए जाएंगे। अप्लाई करने पर केवल 15 रुपये प्रति शेयर का भुगतान करना होगा। ब्रिगेड एंटरप्राइज कंपनी की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, फंड रेजिंग को लेकर इस बोर्ड बैठक में कंपनी सोच विचार करेगी। प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दूसरी प्री बिड मीटिंग आज होने जा रही है जिस पर फोकस है, और कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आते दिखे, सबसे पहले अदानी पोर्ट कंपनी की आय में 18% की गिरावट हमने देखी है, 2,147 करोड़ का हमारा अनुमान था जिसके सामने 2,292 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। वहीं मार्जिन 66% से 60% पर आते हुए दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर करीब 26% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही लोअर टैक्स आउटगो और अन्य आय से मुनाफे को कुछ हद तक सहारा जरूर मिलता हुआ दिखाया, लेकिन टोटल कार्गो वॉल्यूम की अगर बात करें सालाना आधार पर 27% की गिरावट यहां पर देखी है। मुंद्रा पोर्ट वॉल्यूम में 30% की गिरावट सालाना आधार पर दिखी और करंट क्वार्टर में कृष्णपट्टनम पोर्ट के एक्विजिशन की भी संभावना अब जताई जा रही है। स्नोमैन डील के साथ अगर डिटेल्स की बात करें तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के साथ अग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ने जा रहा है और अदानी लॉजिस्टिक्स 26% स्टेक के साथ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बने रहेंगे। ये स्नोमैन डील से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आती हुई देखने को मिल रही है। कैश स्पेस की कंपनी स्टार सीमेंट के नंबर्स आते दिखे, कमजोर है नंबर्स, बिक्री 36% गिरती हुई दिखी है, मार्जिन 24% से 22% जाते दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर 47% की गिरावट देखने को मिली है। आरसीएफ कंपनी के नतीजे अगर कंपनी की बिक्री को छोड़ दे तो नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं, मुनाफा 140% बढ़ता दिखा है, 7,90,00,000 से कंपनी का मुनाफा 19 करोड़ जाता दिखा है, बिक्री जो है 32% की गिरावट यहां पर देखने को मिली और मार्जिन 3% से 6% पर जाते दिखे हैं। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स कंपनी के नतीजे कमजोर हैं, कंपनी के मार्जिन
14.4% से 14.8% जरूर जाते दिखे हैं, लेकिन कंपनी की बिक्री में 8.7% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मुनाफे के फ्रंट पर नतीजों ने यहां पर सपोर्ट किया है, 5.6% के अपटिक मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिले हैं। और अंत में प्रताप स्नैक्स, कंपनी के कमजोर नतीजे आते दिखे हैं, मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है, 9 करोड़ 60 लाख के मुनाफे से 5 करोड़ 90 लाख का घाटा अब कंपनी देख रही है। मार्जिन 8% से 4% पर जाते दिखे और बिक्री में 41% की गिरावट देखने को मिली है। और कुछ और रिजल्ट्स जहां पर आपको फोकस करना चाहिए वो संदीप के पास है। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए। एकल फाइनेंशियल, इसके नंबर्स आप देखेंगे बेहद दमदार, आपको किसी भी पैरामीटर्स पे देखिए, सेल्स आप देखिए 6.5% इनकी ग्रो करिए क्वार्टर टू क्वार्टर कंसोलिडेटेड आधार पर, कामकाजी मुनाफा 23% बड़ा है और मार्जिन जो कि 42.5% थे वो बढ़कर करीब करीब 50% के आसपास पहुंचे और मुनाफे में भी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 78% का जंप आता हुआ दिखा है, 480 करोड़ 80% के आसपास पहुंचे और मुनाफे में भी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 78% का जंप आता हुआ दिखा है, 480 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर 269 करोड़ के मुकाबले, तो बेहद शानदार नंबर्स कहना चाहिए। और एकल फाइनेंशियल की ओर से मेट्रोपॉलिस नंबर खराब है, इनकी जो सेल्स है उसमें करीब 30% के आसपास की गिरावट है, कामकाजी मुनाफा 78% घटा है, मार्जिन जो 27% वाले थे वो घटकर 8.25% पर आ गए और मुनाफे में भी लगभग 90% की यहाँ पे डी ग्रोथ आई है, 27 करोड़ वाला मुनाफा 3.25 करोड़ रह गया। सोमानी सेरामिक्स नंबर्स यहाँ पे भी खराब है, सेल्स इनकी 57% के आसपास ड्रॉप हुई है और ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आई, 7 करोड़ का मुनाफा उसके सामने 26 करोड़ रुपए का घाटा इस बार उन्होंने पोस्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। शैले होटल्स यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है, मुनाफे से घाटे में आई है, सेल्स इनकी 78% घटी है, लॉकडाउन वाला क्वार्टर था और 14 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 39 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने इस बार पोस्ट किया है। गोदावरी पावर एंड इस्पात एक और खराब नंबर है, करीब 15% इनकी बिक्री घटती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफे में 10% का ड्रॉप था, मार्जिन जरूर इनके बढ़कर आए हैं, करीब 21% थे वो बढ़कर 22% आए हैं, लेकिन मुनाफे में 15% का ड्रॉप है, तो नंबर्स आप कह सकते हैं कि मिले जुले हैं, मार्जिन को छोड़ दे बाकी सब नंबर्स खराब हैं। KRBL यहां पे भी नंबर्स आपको वीक ही नजर आएंगे, हालांकि इनके भी मार्जिन थोड़े बढ़कर आए हैं, 37% इनकी आय घटी है, 23% के आसपास इनका कामकाजी मुनाफा घटा है, लेकिन 19.5% वाले जो मार्जिन है वो बढ़कर 24% हुए हैं और जो मुनाफा है उसमें करीब 7.5% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है। पीटीसी इंडिया यहां पे भी आप देखें तो सिमिलर स्टोरी है, आय और इनकी जो कामकाजी मुनाफा वहां पे ड्रॉप है, मार्जिन जो 8.5% वाला था वो बढ़कर 9.5% के आसपास हो गया और मुनाफे में महज 3.5% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिली है। और आखिर में जेएमसी प्रोजेक्ट्स, यहां पे भी नंबर्स आपको वीक नजर आएंगे, ये भी एक आप देखिए मुनाफे से घाटे में आने वाली कंपनी है, 47% सेल्स घटी है, 66% इनका कामकाजी मुनाफा इस बार घटता हुआ दिखा है, जो मार्जिन 14% वाले थे वो घटकर 9% के आसपास आ गए और 21 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 52 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पोस्ट किया। लेकिन ध्यान रखिए एक ऑर्डर विन की खबर भी है जिसकी डिटेल्स आपको पूजा बताएंगी। बिल्कुल, नजर रखते हैं जेएमसी प्रोजेक्ट्स, नतीजे और ऑर्डर विन दोनों पर ही रिएक्शन दिखेगा। पूजा गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स की लिस्ट है और कुछ फंड एक्शन भी है। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु, शुरुआत आयशर मोटर्स से कर लेते हैं। 1:10 के शेयर विभाजन को के लिए अब शेयर धारकों की मंजूरी मिल चुकी है, शेयर होल्डर बेस बढ़ाने और लिक्विडिटी संभालने के लिए ये फैसला लिया गया कंपनी की तरफ से, तो इस पर नजर रखिए। HDFC लिमिटेड कंपनी ने कुल 14,000 करोड़ जुटाए हैं जिसकी की डिटेल्स अब आ गई है, 5.68 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाए, इश्यू प्राइस जो था वो 1760 रुपए प्रति शेयर का था, NCD के जरिए करीब 3,693 करोड़ जुटाए और वारंट के जरिए इसकी डिटेल्स कल ही आ गई थी, 307 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए। यहां पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को करीब 13% शेयर अलॉट हुए हैं और इन्वेस्को डेवलपिंग फंड्स को भी कुछ शेयर लॉट हुए, करीब 5.5% स्टेक उनको भी मिला है। तो HDFC लिमिटेड से जुड़ी ये कुछ डिटेल्स यहां पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा राइट्स इश्यू, ओपन ऑफर से जुड़ी काफी सारी खबरें हैं। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस अपडेट आ रहा है ओपन ऑफर को लेकर, 17 से 28 अगस्त तक कंपनी का ओपन ऑफर खुला रहेगा। हम आपको बता दें कि एकेस्को कंपनी लिमिटेड की 26% हिस्सेदारी खरीदने की योजना थी जिसके लिए अब ओपन ऑफर आएगा, 130 रुपए प्रति शेयर पर 430 करोड़ में ये शेयर्स खरीदे जाएगा एकेस्को की तरह से हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस में, तो यहां पर आप नजर रखिए। इसके अलावा सीक्वेंस साइंटिफिक 25 अगस्त से 7 सितंबर तक ओपन ऑफर खुलेगा कंपनी का। कार्लाइल की यहां पर 26% हिस्सेदारी खरीदने की योजना थी और जो भाव है वो करीब 86 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 6.5 करोड़ शेयर्स के लिए कंपनी ओपन ऑफर लेकर आएगी। मौजूदा भाव जो है वो 135 रुपए के आसपास
कंपनी इस वक्त कारोबार कर रही है। मिंडा इंडस्ट्रीज, यहां पर राइट्स इश्यू से जुड़ी डिटेल्स आई है। राइट्स इश्यू का 25 अगस्त से 8 सितंबर तक खुला रहेगा कंपनी का राइट्स इश्यू। इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 अगस्त तय किया गया है। राइट्स इश्यू के जरिए करीब 250 करोड़ रूपये जुटाने की योजना है और जो इश्यू प्राइस भी है वो 250 रूपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा कुछ डिफेंस स्टॉक्स एचएएल और बीएचएएल पर भी नजर रखिए, क्योंकि खबर आ रही है कि डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने को मंजूरी दे दी है और कुल करीब 8,722 करोड़ के प्रस्ताव को भी यहां पर मंजूरी दे दी है। तो इसके चलते एचएएल और बीएचएएल पर आप फोकस रखिए। जीएमसी प्रोजेक्ट्स थोड़े पहले नतीजे भी आपको बताए, लेकिन इसके अलावा कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है वाटर सप्लाई के लिए। करीब 1,360 करोड़ का ऑर्डर यहां पर कंपनी को मिला है। कुछ प्रमोटर एक्शन भी हुए हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब में प्रमोटर डॉक्टर वंदना लाल ने 7 से 11 अगस्त के बीच कंपनी के करीब 1.12 लाख शेयर्स की बिकवाली की। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपको एक्शन में दिखेंगे खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर। आइए देख लेते हैं कि अब ब्रोकरेजेस कौन से स्टॉक्स पर फोकस कर रही हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, दो स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। अदानी पोर्ट सबसे पहले नतीजों का असर है, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस सिटी ने ये हाईलाइट करके कहा कि इस तिमाही के बाद कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि मार्केट शेयर में गेंस विजिबल नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 402 रुपए के लक्ष्य के लिए। 335 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो CLSA ने भी अदानी पोर्ट्स पर रिपोर्ट निकाली, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 386 रुपए के लक्ष्य के लिए, 386 रुपीज का लक्ष्य होगा। और ये मान रहे कि वित्त वर्ष 2023 तक अगर आप देखें तो इनके एबिटा में करीब 29% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिलेगी। मदरसन सुमी ये भी एक स्टॉक है जहां पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। सिटी की रिपोर्ट ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 110 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये मान रहे कि जो पहली तिमाही के जो नतीजे हैं वो बेहद कमजोर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस तिमाही के नतीजों से आप लंबी अवधि का अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसके चलते इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी, 110 रुपए का लक्ष्य दिया है। हालांकि ये जो लक्ष्य है वो ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के आसपास ही है, कल की क्लोजिंग 107 रुपए की है। यानी कुल मिलाकर ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको फोकस रखना होगा। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज फोकस रखें, लेकिन मदरसन सुमी का मैनेजमेंट हमारे साथ होगा सुबह 9:45 न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। विवेक चांद सहगल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस पर, नतीजों पर पूरी राय और आगे का आउटलुक भी। आइए आउटलुक के लिए तैयार हैं हमारे सारे एक्सपर्ट जो बताएंगे आज आपको पिक ऑफ द डे बिगुल के साथ। बंसल जी जय श्री कृष्णा, शुरुआत आप कीजिए। जय श्री कृष्णा अनिल जी, दीपांशु एंड सारे व्यूअर्स को। अनिल जी, एक तो सबसे पहले तो आज सुप्रभात, बड़ी अच्छी लग रही है आपको और दीपांशु को, ऐसा लग रहा है सदियों बाद एक साथ स्टूडियो में बैठा देखा है, तो हीमोग्लोबिन मेरा तो काफी बड़ा हुआ है और अपेक्षा करता हूँ कि व्यूअर्स का भी बड़ा होगा। और अनिल जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के अंदर एक तो मैंने सिर्फ कुणाल जी को देखा जो नई नई टी शर्ट पहन के आते हैं, दूसरा आप भी शायद आज एक नए सूट के अंदर है, नहीं तो अक्सर मैंने तो अनिल जी आपको ब्लैक ब्लू और ग्रे सूट में देखा, अनिल जी इस लाइट कलर के सूट में तो कभी नहीं देखा है, तो ये जो लाइट कलर का सूट है ये आपका पुराना स्टॉक है कि अभी नया लिया अनिल जी लॉकडाउन के अंदर आपने? ब्रांड न्यू एकदम, बिल्कुल आज का आज पेटी पैक जिसको कहते थे वो, वही मैंने कहा जन्माष्टमी का दिन है, इतने टाइम बाद दीप के साथ शो करने का मौका मिला। हमने 16 अप्रैल को साथ में शो किया था, चार महीने हो गए, बीच में दो बार जरूर मैं आया था, लेकिन तो आज तो मैंने दीप को रिक्वेस्ट करके मैंने कहा आ जाओ, बहुत दिन हो गए साथ में शो करते हैं, तो बाकी तो वैसे काम मेरा ही था इसलिए मैं आया था दीप का तो, लेकिन फिर भी दीप ने कहा चलिए सर मैं भी आता हूँ, तो बड़ा मजा आया। तो बिल्कुल बंसल जी, एनर्जी अलग ही है यहाँ का, मजा जो है ना वो ठीक है, घर के अपने फायदे नुकसान है, स्टूडियो के कंपेयर में नहीं शो करने का मजा तो स्टूडियो से। जी जी बंसल जी शुक्रिया, लेकिन जितना मैं आप लोगों को जानता पहचानता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सब, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोग भी उतनी कड़ी नजर, आपको मेरे कपड़े तक पता चल रहा है कि नए हैं पुराने, ठीक है मैं थोड़ी अपनी और नजर आपके ऊपर बढ़ाऊंगा अब। जी जी बंसल जी देखिए अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। इसमें जब ये निफ्टी के अंदर आया था तो एक सेल ऑफ देखने को मिला था और लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, उस दिन के लोज नहीं टूटे हैं, तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पकड़ने की कोशिश करी है। 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मात्र 8-9 रुपए का रिस्क है, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो 629-645 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है।
एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की राय है, 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, 629 का शॉर्ट टर्म टारगेट है। ओके परफेक्ट, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी वाकई में आपको स्टूडियो में देख के बहुत आनंद आ रहा है, और अनिल जी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, श्री कृष्ण से कामना करता हूँ कि आप जल्दी सुचारू रूप से दोबारा से शोज स्टूडियो से करें, और मैं और राकेश जी भी स्टूडियो से शोज कर पाए, तो अनिल जी यही कामना है जन्माष्टमी के दिन। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं जिस तरह से तेजी से हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से अगस्त का महीना, उसके बाद सिचुएशन काफी बेहतर होती दिखे, देखते जी। कुणाल जी शुक्रिया, बताएं सर। अनिल जी देखिए, जैसे जैसे स्थिति बेहतर होगी, एक काउंटर पर बहुत भारी असर पड़ेगा, और वही आज मेरा पिक ऑफ द डे है अनिल जी। बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रेरियन कॉल है, स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स, जो कि ताज ग्रुप के होटल्स चलाती है। और अनिल जी मुझे लगता है कि जैसे ही देखिए स्थिति सामान्य होगी, आप देखेंगे लोग दोबारा होटल्स का रुख करेंगे, और उस समय होटल्स के पास बड़ी प्राइसिंग पावर होगी। तो ताज ग्रुप के होटल्स मुझे बड़े पसंद हैं, मुझे लगता है इंडियन होटल्स के स्टॉक को इस समय बाय करना चाहिए। टेक्निकल वजह यह है कि यहाँ पर एक बुलिश एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स में आपको कम से कम नहीं तो मौजूदा स्तरों से डबल तक की तेजी साल भर में देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में बाय कर रहे हैं तो यहां पर 76 का स्टॉप लॉस रख लें, 76 रुपए का पहला टारगेट मेरा 95 रुपए का है, और दूसरा इवेंचुअल टारगेट इस स्टॉक के लिए 125 रुपए का है। तो 125 के इवेंचुअल टारगेट के लिए इंडियन होटल्स में मेरी खरीदारी की। बेहतरीन स्टॉक, और अगर आपको ताज होटल्स बहुत पसंद है तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे दीप को या बाकी लोगों को पसंद नहीं है, आप जब भी चाहें, वैसे भी छोटे कुणाल जी वाली पार्टी बाकी है, बिल्कुल तो ताज में हो जाए, तो इसके बारे में जरूर गौर फरमाइएगा, हम सब लोग तैयार है, बिल्कुल ठीक है ना। आइए शुभम जी से लेते हैं, उनका पिकअप द डे। शुभम जी करिए शुभ शुरुआत। जय श्री कृष्णा अनिल जी, जय श्री कृष्णा दीपांशु जी, और सुप्रभात। तो आज जो मेरा पिक है वो एक शॉर्ट का ट्रेड है, हालांकि शॉर्ट का ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि बाजार पे व्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बिकॉज अभी तक इस तरह के कोई डेटा नहीं बने, लेकिन सिर्फ एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल है, और वो है भारती एयरटेल पे। और भारती एयरटेल को अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो डेरिवेटिव डेटा जिस तरह से शेपअप हो रहे हैं उसमें काफ़ी शॉर्ट्स, ऑलमोस्ट 15-20 दिन के अगर हम ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखें तो यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से एक कंसोलिडेशन में रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन ड्यू है, और हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म करेक्शन होता हुआ दिखे, बिकॉज थोड़ा सा ओवर ओनरशिप हुआ था कुछ समय पहले। तो इसलिए 540 के स्ट्राइक के पुट ऑप्शन के थ्रू एक यहाँ पे एक पुलबैक का ट्रेड है, मंदी का ट्रेड है, तो मुझे लगता है कि इस पे बनाना चाहिए। पुट ऑप्शन का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 11.80 रुपये, यहाँ पे टारगेट होगा 17 रुपया और 19 रुपया, ये दो टारगेट होगा इस पुट ऑप्शन के लिए, और 9 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो भारती का पुट ऑप्शन के थ्रू आज एक मंदी का ट्रेड मेरा रिकमेंडेशन होगा। के तो भारतीय एयरटेल में 550 का पुट ऑप्शन लें, 11.80 रुपये के आसपास ये मिल रहा है, और 9 रुपये के स्टॉप लॉस, और 540 का लेना है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, और वागले साहब पूरे अपने हेडफोन लगाकर चश्मा वश्मा साफ करके ऐसा तैयार होकर बैठ रहे हैं, बस अब मतलब टेक ऑफ की तैयारी है। तो वागले साहब समय आ गया है आपकी गुड मॉर्निंग के साथ, टेक ऑफ कीजिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, वैसे दीपांशु मेरे जगह पे बैठे मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सही पकड़े, एकदम सही है। और वो उनके लिए सही भी है, क्योंकि एक कमेंट मैं करना चाहता हूँ दीपांशु के बारे में जी, कि कभी कभार वो जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, वो एकदम सही होते हैं। Absolutely. तो मतलब वो हमारे एनालिस्ट से कोई कम नहीं है, जो वो हाथ बार लगाते हैं हमको। anyway. वागले साहब आप एक चीज के लिए निश्चिंत रहें, जब भी आप फिर से ऑफिस से शो शुरू करेंगे आपके लिए वो जगह रिजर्व है। अभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमने जानबूझ के भी दो ही लोग हैं वो स्टूडियो में, तो थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क तो ठीक है शो के दौरान ही, बाद में हम पहन के घूम ही रहे, पर अगली बार जब स्टूडियो से करेंगे सर वागले साहब को भी बुला लेते हैं। बिल्कुल, और वागले साहब वैसे अभी भी आप आ जाए तो 2 गज आगे और भी जगह है, चिंता न करें, तो बस आप आ जाइए, मजा आएगा। जी सर बताएं।
अनिल जी, अभी मार्केट के बारे में बात करें तो एसजीएक्स 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, मेरे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत बार देखा है एसजीएक्स नीचे दिखाता है और फिर बाइंग आता है, रिवर्सल्स इतने जल्दी आते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये टॉप हो गया और हम वन वे गिरेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा होंगे। फार्मा टॉप आउट हो रहा है और कल मैंने जो स्टॉक कवर किया था जेबी केमिकल एंड फार्मा, ये अभी एक फ्रेश मूव के लिए निकल रहा है तो मैं उसी को दोहराऊंगा। 769 का बंद है, कल हमने 772-75 में बात की थी। मेरा पोजिशनल टारगेट 850-860 का है। मुझे लगता है ये हफ्ते में या 3 से 4 दिनों में ये 820-822 तक जा सकता है। 769 के क्लोज है 747, मेरा एक 20-22 रुपए का 3% का स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है 5-6% की मूव ये दे देगा यही हफ्ते में, तो टारगेट होगा 822। ओके सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय श्री कृष्णा सभी को, और आप लोगों को भी बधाई हो ऑफिस से आके स्टार्ट करने के लिए। और अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कंटिन्यूसली एक सेशन स्टार्ट होना चाहिए जहाँ पे रेगुलर इसी तरह के ब्लेजर में और सूट बूट में शोज दिखे ताकि मजा आए करने में। बहुत टाइम हो गया, 4 महीने हो गए घर से करते हुए, तो मार्केट खुले थे अनिल जी। सुमित जी एक मिनट सुमित जी, आप तो बिल्कुल हमारे बॉस की तरह बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एक दिन के लिए आए, अभी तक हमने शुरू नहीं किया है। आप ऑफिस से कर रहे हैं या घर से कर रहे हैं आप? क्यों अनिल जी, हम लोग भी ऑफिस बस स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। हाँ, करने वाले ना, अभी तो किया नहीं है। अच्छा, पहले हमको भेज के चेक करना चाहते हैं। ओके, लेकिन नहीं, फॉर ए चेंज एक आध दिन कुछ स्पेशल शोज या कुछ मीटिंग्स होती है तो उस हिसाब से आना शुरू किया, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सेफ चल रहे हैं। हमारी टीम मिनिमम ही काम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम ही। अभी हम सोचें कि थोड़ा वक्त और घर से किया जाए, धीमे धीमे टीम को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो अभी वक्त है, लेकिन ये आज ही के लिए, इसलिए आज के दिन ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कीजिए। जी सुमित जी बताइए अब अपनी पिक। बिल्कुल अनिल जी, एकदम धीरे धीरे ही करना चाहिए, हम भी इसी तरह से करने वाले हैं स्टैगर्ड वे में। तो अनिल जी, आज की पिक के लिए मैं मार्केट खुलने का वेट करना चाहूंगा, अभी फिलहाल नोटा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार मार्केट खुलने दीजिए, उसके बाद प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से कॉल निकालेंगे। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अविनाश सर हमारे साथ हैं। अविनाश सर बताएं सर, नमस्कार, अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, और जय श्री कृष्णा आपको और सभी जी बिजनेस के दर्शकों को। अनिल जी, मेरे पास दो स्टॉक है, आपकी परमिशन हो तो दोनों कहना चाहूंगा। जी, प्लीज 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 बताएं सर, प्लीज। पहला पहला स्टॉक जो मेरा पसंदीदा स्टॉक है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में महानगर गैस है। ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो रहा है और ग्राउंड लेवल पे ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि जो डिमांड अभी जुलाई से हो रही है वो करीबन 65-70% प्री कोविड लेवल पहुंची है। कंपनी बहुत ही सस्ती है, करीबन 11 टाइम FY22 अर्निंग्स पे ये अवेलेबल है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ये सबसे सस्ता स्टॉक है। मेरी राय रहेगी कि इस लेवल से खरीदना चाहिए, करीबन 1150 का लेवल कम से कम 12 से 15 महीने में पॉसिबल है और ये सेकेंड और थर्ड क्वार्टर पहले क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छा है। और दूसरा पिक जो अभी एक सिचुएशनल पिक है वो है MPS, जो मैकमिलन पब्लिशिंग सर्विसेज के नाम से जानी जाती है। अनिल जी, यहाँ पे एक बायबैक अनाउंस किया है, बायबैक प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है, 600 रुपये का प्राइस कंपनी ने अनाउंस किया है जबकि मार्केट की प्राइस करीबन 390 रुपया है। हालांकि बायबैक काफ़ी छोटा है बट कंपनी कैश रिच है, अपने सेक्टर में एक लीडर है और हमको लग रहा है कि ये मौका डेफिनेटली शॉर्ट टर्म यू नो ट्रेडर्स के लिए भी अच्छी तरह से यूज हो सकता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नज़र रखें। यहाँ पे टारगेट प्राइस नहीं है बट जिस प्रकार का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मिल सकती है, तो ये दोनों स्टॉक आज के लिए मेरी तरफ से। थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताइए, क्या करती है और क्या, वैसे आज मैंने स्टॉक्स एंड न्यूज़ में तो मैं देख रहा था कि बायबैक का ऐलान किया है, लेकिन क्या फंडामेंटली मजबूत कंपनी है अविनाश जी? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी ये कंपनी बेसिकली पब्लिशिंग और ई बुक्स और टिपिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और सबसे बड़ी बात कंपनी के मैनेजमेंट बहुत क्रेडिबल है, शेयर होल्डर फ्रेंडली है। अगर हम इस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी देखें तो अनिल जी पिछले 4-5 साल से काफ़ी यू नो अच्छे डिविडेंड दे रही है। मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ फ्यूचर है वो हो सकता है कि FY21 में थोड़ा सा दबाव में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शेयर होल्डर फ्रेंडली यू नो अप्रोच लिया है, काफ़ी कैश बुक्स पे है तो उसको रिटर्न करने का एक उन्होंने जरिया सोच लिया है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए भी लेना है मेरे ख्याल से डेफिनेटली देख सकते हैं, बट ये बायबैक का न्यूज आने के बाद छोटी इक्विटी वाली कंपनी है, बिजनेस काफी नीच वाला है, काफी बड़ी कंपनी नहीं है, 350-360 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल आगे आने वाले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा। 24 अगस्त ये बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट है, यानी कि आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए 24 अगस्त को, तो अभी काफ़ी वक्त है आपके लिए खरीदने का अगर आप बायबैक में टेंडर करना चाहते हैं तो। 600 रुपये का दाम है,
3% इक्विटी बायबैक करेगी, यानी कि 34 करोड़ शेयर, 5,66,00,000 शेयर बायबैक किए जाएंगे। ये है आपके लिए इस वक्त बायबैक पर इंफॉर्मेशन एमपीएस लिमिटेड को लेकर। ओके चलिए, सबकी पिक्स हो चुकी है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पर एक्शन आज के सेशन में रहने वाला है। सबसे पहले अदानी पोर्ट, बेहतरीन नतीजे आए हैं और अविनाश जी इसी पर आप राय दीजिए। वैसे तो स्टॉक लगातार मजबूत रहा है, अगर आज मार्केट के साथ कमजोर खुले तो क्या फिर से खरीदारी करनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अगर स्टॉक को थोड़ा सा गिराता है प्योरली मार्केट सेंटिमेंट से, तो अनिल जी नंबर्स बहुत ही दमदार है और हमको लग रहा है ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जो दूसरी और तीसरी तिमाही है यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि नंबर्स Q1 के हिसाब से और भी अच्छे आएंगे, तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस स्टॉक पे पॉजिटिव रवैया रखना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इवन करंट लेवल्स पे या थोड़ा सा अगर गिरता भी है तो इसको खरीदना चाहिए, यहाँ से डेफिनेटली हमको लग रहा है 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली एक लॉन्गर टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। अच्छा पिक साबित हो सकता है अदानी पोर्ट लॉन्ग टर्म के लिहाज से। एक और स्टॉक है स्टार सीमेंट, सुमित जी जरा इसके चार्ट आप देखिए क्योंकि आपने इसे स्टॉक को सैटेलाइट के तौर पर भी रिकमेंड किया था, नंबर थोड़े से कमजोर आए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जिस तरह की सीमेंट कंपनियों से हम उम्मीद करते हैं उस हिसाब से नंबर नहीं है, तो नीचे गिरे तो कहीं कोई अच्छा एंट्री लेवल है तो बताइए स्टार सीमेंट में, जहां खरीदना है नहीं खरीदना तो वो भी कोई बात ही ना बोल दो आप। अनिल जी स्टार सीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। स्टार सीमेंट ने पिछले 10-15 दिनों में 80 के लेवल से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया है और अब स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, स्टॉक का जो सपोर्ट है नीचे में वो 85 के आसपास है इंट्राडे का और नेक्स्ट सपोर्ट है 200 DMA लेवल्स है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक ये 200 DMA के ऊपर सस्टेन करता है तब तक डिप्स में खरीदारी के मौके ढूंढे, और सीमेंट पूरा सेक्टर मजबूत है तो स्टार सीमेंट धीरे धीरे करके तेजी ही करेगा, इसका सिर्फ ऊपर में एक बार 95 rupees का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए फिर ये 100 rupees का लेवल क्रॉस करेगा, तो डिप्स में इसमें खरीदारी करें 85 के आसपास। डिप्स में करें खरीदारी 85 के आसपास। एक और स्टॉक है जो आपने मेरे ख्याल से पिक ऑफ द डे या स्पेशल पिक के तौर पर दिया था कुणाल जी, विप्रो, इन्होंने एक एक्विजिशन जो किया था वो 10 अगस्त को पूरा कर लिया है और यूके और यूरोप वगैरह में एक पार्टनरशिप भी इन्होंने की है, ये खबर विप्रो को लेकर आई है। विप्रो के चार्ट्स में कुछ मजबूती दिखती है? अनिल जी बहुत मजबूत चार्ट है, इनफैक्ट अगर अनिल जी देखें तो मुझे लगता है कि तीनों जो दिग्गज आईटी काउंटर्स हैं उसमें सबसे मजबूत चार्ट विप्रो का है, तो इन स्तरों पर बिल्कुल जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है निश्चित होकर के बने रहना चाहिए। 275 के नीचे जब तक विप्रो नहीं जाता है तब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि 295 की ओर स्टॉक बढ़ रहा है, तो जिसके पास भी स्टॉक है 275 का स्टॉप लॉस रखें, 295 के टारगेट से इत्मीनान से होल्ड करें। वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए और आपके लिए कंपनी ने एक डिसीजन लिया है, क्योंकि आप आमतौर पर इसके चार्ट देखते नहीं हो राय देते नहीं हो, तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो 1:10 ये स्टॉक स्प्लिट का रेशियो किया है, तो अब आराम से आपके शेयर छोटे भाव का हो जाएगा, तो आपको रिकमेंड करने में बड़ी आसानी देगी रहेगी और इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी। अब इसके चार्ट देखकर बता दीजिए करना क्या है। वैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, आइशर मोटर्स के रिजल्ट्स हैं गुरुवार, कल रिजल्ट्स भी है तो उस हिसाब से बताइएगा आप। अनिल जी 22,000 का एक टॉप बन चुका है और ऑन द डाउन साइड 20,700 का एक बॉटम है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो लगभग 20,800-20,900 में भी 21,000-22,000 में ये टाइम स्पेंड करेगा, इसमें मुझे कोई ट्रेंड नेगेटिव तो दिखता नहीं है, जो 3-4 दिन में करेक्टिव हुआ है इसको करेक्शन ही मानना चाहिए, नीचे में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए 21,200-21,300 ये लेवल के आसपास, मुझे नहीं लगता ये 21,000 के नीचे जाएगा, अगर जाता है तो काट लेना चाहिए, वो आपका स्टॉप लॉस होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और मुझे पहला टारगेट 22,000 होगा और उसको अगर पार करता है तो 22,500-600 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए आइशर मोटर्स पर राय। चलिए